सियालकोट से खबर शामिल करते हैं, जहां पर मसीही तहरीक बेदारी के चेयरमैन डॉक्टर आदिल गौरी ने एक मीडिया बयान में कहा है कि मुल्क जमहूरी निज़ाम में यकसानियत नहीं है। क्रिएटिव वोटर्स को यह हक हासिल नहीं कि वो अपने वोट से अपने नुमाइंदे मुंतखब कर सकें, और जिन अक्सरियती नुमाइंदों को वो वोट देकर मुंतखब करते हैं वो उनकी नुमाइंदगी नहीं करते। हालात और वाकयात ने साबित किया है कि अक्सरियतों के मफादात के हवाले से जितने बिल पार्लियामेंट में पेश हुए, अक्सरियती मुंतखब नुमाइंदों ने उनकी हमायत नहीं की, ना ही अक्लियतों के मफादात के हवाले से उनकी कोई काबिले कदर कारकर्दगी है। उन्होंने मजीद कहा है कि ये कैसी जमहूरियत है जिसमें मेरे नुमाइंदे मुंतखब करने का हक अक्सरियती सियासी जमातों के पास है जिन्हें मेरे मसाइल का अदराक है, ना कोई सरोकार वो उन लोगों को नामजद करके हम पर मसलत करते हैं जो उनकी इंतखाबी मुहिम के मोहरे होते हैं। मैंने उन लोगों को कभी नामजद होकर असम्बलियों में जाते नहीं देखा जो 5 साल सड़कों पर अक्लियतों के हकों के लिए सरापा एहतजाज होते हैं, जो हर जुल्म ज्यादती नाइंसाफी के मौका पर अपने लोगों के साथ खड़े होते हैं। वो अपनी बरादरी में इंतहाई मकबूल है लेकिन सियासी अकाओं के मरीद नहीं। अक्लियतों की हकीकी नुमाइंदगी उस वक्त असम्बलियों में जाएगी जब उन्हें अपने वोट से अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का हक हासिल होगा।